हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DirectX21 गेमिंग। आज की इस वीडियो में हेल्प करना चाहता हूँ सही ई स्पोर्ट्स गेम चुनने में मोबाइल के अंदर में, जिसमें आपका भी फायदा हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ईओडी मोबाइल के VR के फेल होने की वजह से काफी सारे VR के प्लेयर्स आज Apex Legends मोबाइल के ऊपर आ गई है। साथ में ही BGMI के जो प्लेयर्स हैं, जिनको काफी टाइम से अंडरडॉग्स करके चढ़ाया जा रहा है काफी टाइम से, 42 प्लेयर्स उन्होंने इतने साल, 2 साल 3 साल ग्रैंड किया, लेकिन अभी भी वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए ई स्पोर्ट्स की। वो भी कंफ्यूजन में जा रहे हैं कि वो न्यू स्टेट की ओर जाएं, COD मोबाइल की तरफ जाएं, MP की तरफ वहाँ पे, या फिर डायरेक्टली जो Apex Legends मोबाइल आ रही है वहाँ पर जाएं वो, और जो अपना उन्होंने ग्राइंड किया उसको वहाँ पर नरिश करें, उधर ग्राइंड करने के बाद में वहाँ से कुछ ना कुछ आउटकम जनरेट करें। साथ में उनके माइंड में ये भी आ रहा है या फिर वो न्यू स्टेट में जाएं, वहाँ पर वो ग्राइंड करें, उसके बाद में क्योंकि वो नई गेम आई है, उसके नए नए स्क्रीम्स हो रहे हैं, उसके प्राइस पूल भी आएंगे, उसके कंपटीशन भी है अच्छा खासा, तो क्या हम उसमें जाएं। तो गाइस, इसी चीज़ को मैं पूरा का पूरा क्लियर करूंगा और आपकी हेल्प करने का ट्राई करूंगा और आपको क्लैरिटी देने में मदद करूंगा कि जो आप करना चाहते हैं वो आप किस फील्ड में ज़्यादा सही रहेगा आपका, इसमें कौन सी गेम आपके लिए बेस्ट रहेगी आपकी कॉन्टेंट कैटेगरी के हिसाब से और जो आपकी गेम की कैटेगरी के हिसाब से, जिस गेम में आपको महारत हासिल है, जिस मोड में, उस मोड में आप अच्छा खेलेंगे तभी जाके आपका फायदा होगा, इसलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि COD मोबाइल का VR जो है वो काफ़ी बुरी तरह से फेल हुआ है, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ग्राइंड किया था लेकिन फिर भी उनको उसका आउटकम ज़्यादा नहीं मिला, यानी कि बहुत ही कम आउटकम मिला, क्योंकि ऑफिशियल टूर्नामेंट एक भी नहीं मिला है इंडिया में उसका VR का। गैस उसी की वजह से वो वाले प्लेयर जो हैं वो डिमोटिवेट होने की वजह से आधे लोगों ने तो गेम ही छोड़ दिया है और बाकी वाले जो है वो BGMI की तरफ जा रहे हैं, न्यू स्टेट की तरफ जा रहे हैं और Apex Legends मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि भाई हम क्या करें। तो गाइस, इसमें मैं पहले आपको Apex Legends के बारे में बता देता हूँ। जो Apex Legends है वो 2019 में आई है, वो ठीक है, तो तब से लेके अब तक उसका ई स्पोर्ट्स सिनेरियो अच्छा चल रहा है। शुरुआत में थोड़ा खराब था लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया गेम में, और उसके प्राइस पूल जानते हो भाई, कितने सारे प्राइस पूल आते हैं उसके, कितने मिलियन डॉलर के प्राइस पूल होते हैं, और उनका यही एम है क्योंकि वो गेम जो है वो EA की गेम है, तो जानते हो पैसे वाली कंपनी है, रिस्पॉन्स से भी जो उसका सपोर्ट है अच्छा खासा, क्योंकि गेम बनाने में हेल्प कर रहे हैं वो, उनके टेंसेंट से भी उनकी बातचीत है, टेंसेंट को तो जानते ही हो कि वो ई-स्पोर्ट में कब से है। तो गाइस, इतने सारे ऑक्स का सपोर्ट होने की वजह से, जो गेमिंग कंपनीज है इनका सपोर्ट होने की वजह से, जो Apex Legends मोबाइल है इसके ऊपर भी ई-स्पोर्ट्स के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि उनके एक रिसेंटली दिए गए आर्टिकल के हिसाब से जो उन्होंने ट्विटर पे पब्लिश किया था, न्यूज़ दी थी एक तरह से समझ लो उसे, वहाँ पर उन्होंने यही चीज़ के बारे में बताया था कि हम लोग इसका लैन इवेंट लेकर के आएंगे। तो गाइस खुद सोचो, अभी तक COD मोबाइल ने अपना लैन इवेंट नहीं लाया और Apex Legends मोबाइल वाले जो हैं पहले से ही रेडी हैं कि भाई हम अपना लैन इवेंट लेकर के आएंगे, और इंडिया से भी काफ़ी सारी ऑर्ग्स हैं, छोटी मोटी ऑर्ग्स हैं और जो अभी एस्पायरिंग ऑर्ग्स हैं जिनको समझ सकते हो, उन्होंने सोच कर रखा है कि वो अपने टूर्नामेंट्स भी लेकर के आएंगी Apex Legends मोबाइल में। जब छोटिया ने सोचा जब पबजी वाली आएंगी ऑक्स, तब तो और भी ज़्यादा बड़ा सिनेरियो होगा इसका। ये गाइस, इस गेम की सबसे खास बात ये कि ये VR है, इंडिया में VR का मार्केट है। गाइस सिंपल सी बात है, आप लोग BGMI वाले हो, COD मोबाइल VR वाले हो या फिर न्यू स्टेट वाले हो, अब सोच रहे हो कि कौन सा वाला बेस्ट सही रहेगा। गाइस जो आप वहाँ से आए हो तो Apex Legends काफ़ी बढ़िया रहेगी, क्योंकि इसका ई-स्पोर्ट्स सिनेरियो भी काफ़ी अच्छा है, ये हर 2-3 महीने में टूर्नामेंट्स करवाते रहते हैं, वो भी ग्लोबल लेवल पे करवाते हैं, वहाँ पर तो समझ ही सकते हो भाई, ग्लोबल लेवल पे करवा रहे हैं। इनकी वॉचिंग मैंने देखी है 6K जा रही है, 7K जा रही है, कई जगह तो 13K 15K 20K जा रही है वॉचिंग इनकी, वो भी PC पे। वैसे इंडिया में जब मार्केट ही इतना ज़्यादा है, जब जी PC था उसमें इतना व्यूवरशिप नहीं आता था जितना जी मोबाइल में आया, ठीक है, खुद सोचो जब Apex Legends मोबाइल आएगी इसमें कितना सारा व्यूवरशिप होगा, और जहाँ पे व्यूवरशिप होती है वहीं स्पॉन्सर्स आते हैं, वहीं पैसा आता है, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। बात ये, अगर हम न्यू स्टेट में जाते हैं वहाँ पे ग्राइंड करने के लिए, ये तो आप लोगों को VR का नॉलेज है, कर लोगे ग्राइंड, लेकिन उस उतने जो स्लॉट स्कैम्स होते थे, स्लॉट स्कैम्स होते थे, तो वो वहाँ पर भी हों, क्योंकि जो बड़ी टीम्स हैं वो उधर भी आ रही हैं खेलने के लिए, क्योंकि BGMI में वो हैकर्स परेशान हो चुके हैं, वो आएंगे वहाँ पे, उनका एम ऑलरेडी अच्छा है, शुरुआत में आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे, वहाँ स्क्रिम्स में डोमिनेट कर देंगे वो पहले से ही, ठीक है, जो वहाँ से T2 टीम्स आ रही हैं, और अगर आप T3 टीम और अब जाकर जा रहे हो उसमें BGMI से शिफ्ट होकर के जा रहे हो न्यू स्टेट में, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि T2 वाले बुरी तरह से डोमिनेट करेंगे।
वही बात है, और जब इवन वाले आएंगे वहां तो वो तो और ही ज्यादा करेंगे डोमिनेट। तो इसलिए गाइस अगर उस चीज से हट करके रहना है और कुछ न्यू ट्राई करना है, क्योंकि वो सब उन्होंने कहा वो न्यू स्टेट है, वो कुछ नया उसमें कलर कोडिंग कुछ चेंज की हुई है और बाकी सारा वो सेम का सेम ही है। ये हल्का फुल्का उन्होंने चेंज किया हुआ है उसको, ठीक है, लेकिन BGMI से मुझे बेटर लगा वो गेम, काफी बढ़िया लगा इनफैक्ट BGMI की कंपैरिजन में PUBG न्यू स्टेट। लेकिन जो ये वाला गेम है एपिसिलेंस मोबाइल, ये पूरा का पूरा डिफरेंट बैटल रॉयल गेम है। ये FPS बेस्ड गेम है, FPP आप यहाँ पे खेल सकते हैं, TPP खेल सकते हैं। TPP मोड जो है वो रैंक से अभी रिमूव कर दिया गया है, और वो जो मोड है वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको पब्लिक मैच में खेलने के लिए। ये FPP बैटल रॉयल का मजा ले सकते हो इस गेम के अंदर में, क्योंकि काफी बढ़िया बात है गाइस। उसके अलावा मैं हमें बताना चाहूंगा जो Apex Legends मोबाइल है इसका e-sports scenario क्यों बड़ा होने वाला है, क्योंकि मॉडल जो है वो भी यहाँ पे इस गेम को खेलेंगे, जब वो स्ट्रीम करेंगे तो उनकी जो ऑडियंस है वो भी देखेगी। So that is why it's gonna be very difficult, but यार Apex Legends mobile is a beautiful game. I have tried it and I loved it, really. मेरे को बहुत अच्छा लगा। But how well people can promote the game? If Apex pays other streamers, other creators to promote the game, it's a good amount. Then obviously why not? क्यों नहीं? अगर कोई गेम पैसा देगा दूसरे क्रिएटर्स को कि भाई हमारा गेम प्रमोट करो, हम लोग लॉन्च करेंगे गेम, हर क्रिएटर वो गेम खेलेगा तो उनकी ऑडियंस खेलेगी वो चीज़। इसलिए वो स्काउट है, वो भी गेम को स्ट्रीम करेंगे शुरुआत में, जब गेम आएगी तो हल्की फुल्की ऑडियंस पहले ही मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी सारी ऑप्स हैं, उनसे मुझे कुछ इंटरनल लीक से पता लगा है कि वो लोग भी इसमें अपने जो लाइनअप्स है वो बनाएंगे, जैसे कि IND, ठीक है, मैं नाम ले रहा हूँ मैं एक ही बारी में, और किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। तो वैसे ही आप समझ ही रहे हो, वैसी बड़ी बड़ी ऑक्स आएंगी, वो अपना इसमें लाइनअप बनाकर जाएंगी, और ये है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है। इसमें लेजेंड्स होते हैं इस गेम में, और उनका होगा मास्टर करना होता है। ये जितना भी आपने BGMI और न्यू स्टेट से सीखा है, आप वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इस गेम में, और इस गेम के राजा बन सकते हो स्पोर्ट्स में। ये गेम में हैकर्स भी नहीं है अभी के टाइम में, और ये हैकर्स को बैन भी कर रहे हैं, आने से पहले बैन कर देते हैं, जैसे ही थोड़ा बहुत उनका रिक्वेस्ट आती है हैकर्स का, लगता है कि हैकर्स हैं, उड़ा देते हैं उनको उसी टाइम में, क्योंकि TPP मोड में हैकर्स थे पहले, उनको एलिमिनेट कर दिया इन्होंने। और गाइस हस्तर BTC हैं, उन्होंने भी अपनी वीडियो में कहा था ई-स्पोर्ट्स के बारे में, जब वो बना रहे थे वीडियो तो उन्होंने भी वहाँ ये चीज़ कही थी कि जो ये Apex Legends मोबाइल है आप इसमें जाकर ट्राई कर सकते हो Apex Legends मोबाइल और Valorant मोबाइल में, क्योंकि ये गेम जो होंगी ये ई-स्पोर्ट्स मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चलेंगी इंडिया के केस में। से अगर आपको e-sports में एंटर करना है, आपको e-sports प्लेयर ही बनना है, आपको अपना YouTube वैसा वैसा करना है, जस्ट वेट फॉर Valorant मोबाइल एंड Apex Legends मोबाइल, वो दो नए सेगमेंट आने वाले हैं, एंड ऑल्सो Wild Rift। ये तीन गेम्स का वेट करो, अपना जॉनरे चुनो, ये तीनों गेम नए आने वाले हैं, तीनों के अंदर जो e-sports प्लेयर्स आएंगे नए आएंगे, और जब भी एक गेम नया आता है तो उसके अंदर एंटर करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर कॉम्पिटिशन की बात की जाए तो 1,00,000 में से एक प्लेयर BGMI के Tier 1 में अपनी जगह बना पाएगा। वहीं अगर Apex और Valorant मोबाइल की बात करी जाएगी तो कल को अगर 10,000 लोग अप्लाई करेंगे ना, उसमें से 50 लोग पहुंच जाएंगे वहां तक। ये गाइस क्या आपको भी बनना है अगला मॉडल यशराउड, तो जरूर अपने पैर लाइए Apex Legends मोबाइल में और एक बार खेल करके देखिए। ये गेम में फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी टीम्स है, TSM जानते हो ना, TSM तक है इसमें, तो खुद ही समझ लो स्पोर्ट्स सिनेरियो इसका कितना बड़ा है। गाइस ये पार्ट 1 था इसका, अगर इस पे वीडियो पे अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है तो मैं इसका जरूर पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, और अगर नहीं मिलता तो देखते क्या होगा। गुड बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे।